टुनटुनी और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी की पति की मौत के बाद से ही टुनटुनी और पिंकी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। टुनटुनी अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, मेरे पति ने कितने सालों तक आपके यहाँ काम किया है, आज वो नहीं रहे तो आप हमें घर से बाहर मत निकालो, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया मैंने, है? मैंने घोंसले किराए पर चढ़ाने के लिए बनाए, कोई धर्मशाला खोल कर नहीं रखी है। टुनटुनी गिड़गिड़ाने लगती है लेकिन सेठ पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपने गुंडों से कहकर टुनटुनी के घर का सारा सामान घर से बाहर फिकवा देता है। टुनटुनी और पिंकी कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो गए थे। दूसरी तरफ सेठ जैसे ही घर पहुंचता है उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले आ गए, मैंने कहा था ना आज घर में नहीं घुसने दूंगी, अगर कोई नौकरानी नहीं लाए तो। पुरानी नौकरानी को काम छोड़े 2 दिन हो गए, तब से सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ कर दो, कल पक्का मैं किसी को ले आऊंगा। हाँ रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारे यहाँ, किसी को भी कह दो पैसों के लालच में दौड़कर आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। इतनी ठंड में मुझसे घर के काम करवा कर अपने पैसे बचाने की सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, साफ साफ कह देती हूँ मैं कोई काम नहीं करने वाली। सेठ कौई को टुनटुनी का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे टुनटुनी के लिए कोई हमदर्दी थी या फिर वो टुनटुनी की कोई मदद करना चाहता था, बल्कि वो तो टुनटुनी के रूप में एक सस्ती नौकरानी चाहता था। वो तुरंत अपनी लकड़ी गाड़ी लेकर टुनटुनी के पास गया। टुनटुनी पिंकी के साथ अभी भी सड़क किनारे बैठी हुई थी, दोनों ठंड से कांप रहे थे। सेठ को देखते ही टुनटुनी हाथ जोड़ते हुए बोली, सेठ जी रहम कीजिए, मैं वादा करती हूँ जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी, आपने अगर मदद नहीं की तो इस ठंड में मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेठ जी रहम कीजिए। रहम आ गया, इसलिए आया हूँ वापस। तुम दोनों चलो मेरे साथ, आज से तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे, बदले में रहने के लिए जगह मिल जाएगी तुम दोनों को और कुछ पैसे भी, ठीक है? लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे बिना किसी नानुकुर के। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूँगी ना सेठ जी, मैं सारा काम करूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ टुनटुनी और पिंकी को लेकर अपने घर पहुंचता है और सुंदरी कौवी को उनके बारे में बताता है, लेकिन सुंदरी खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती है। हे भगवान, तुमसे नौकरानी लाने को कहा था, जिम्मेदारी नहीं इसे रखोगे कहाँ, ऊपर से इसकी बेटी भी है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो जी भर के काम कराओ इन दोनों से। तुम्हें नहीं पता आजकल नौकरानियों के दिमाग कितने खराब हैं, और रही बात रहने की तो वो अपने घोंसले के नीचे जो खोल है वहीं रह लेंगी दोनों। सुंदरी कौवी टुनटुनी को काम पर रखने के लिए मान जाती है और टुनटुनी को घर के नीचे पेड़ के खोल में रहने को कहती है। खोल को देख कर पिंकी टुनटुनी से कहती है, माँ यहाँ तो सिर्फ खोल है, दरवाजा तो है ही नहीं, हम यहाँ कैसे रहेंगे माँ? मैम साहब, हम दिन में तो यहाँ रह लेंगे लेकिन रात को? एक तो मेरे पति ने तुम दोनों को यहाँ लाकर वैसे ही तुम पर एहसान किया है, अब और क्या चाहिए? अपना कमरा दे दूँ तुम्हें? रहना है तो यहीं पर रहो, वरना जा सकती हो दोनों। नहीं मैम साहब, हम रह लेंगे यहीं पर, बस अगर जमीन पर कुछ बिछाने के लिए और रात को ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मुसीबत है, रुको यहीं पर। सुंदरी कौवी कुछ ही देर में एक फटी पुरानी चादर लेकर वापस आ जाती है और उस चादर को वो टुनटुनी को देते हुए कहती है, ये लो इसी से काम चलाओ, चाहो तो बिछाओ चाहो तो ओढ़ लो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझी? सुंदरी अपने घोंसले में जाकर आराम से सो जाती है। टुनटुनी उस चादर से पिंकी को अच्छी तरह लपेट देती है और खुद ऐसे ही जमीन पर लेट जाती है। दिसंबर की उस ठंडी रात में टुनटुनी और पिंकी का बुरा हाल था, खोल में हर तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। फिर अगले दिन, अरे महारानी अब तक सो रही है, तुझे रात को ही कहा था ना मेरे उठने से पहले चाय नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वो माफ कर दीजिए मैम साहब, रात भर ठंड के मारे नींद नहीं आई, सो
सुबह जैसे ही धूप आई तो आँख लग गई। मैं बस अभी करती हूँ सब कुछ। टुनटुनी उठकर तुरंत घर के कामों में लग जाती है। सुंदरी कौवी जितनी जुबान से कड़वी थी उतनी ही दिल से भी कठोर थी। वो अपनी बेटी को पिंकी से बात तक नहीं करने देती थी। साथ ही टुनटुनी और पिंकी को घर का बचा कुचा खाने को ही देती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। टुनटुनी अभी तक ये बर्तन नहीं धोए, तू क्या कर रही है सुबह से? मैम साहब अभी झाड़ू पोछा करके निपटी हूँ। वैसे सुबह तो बर्तन धोए थे मैंने। तो तुझे क्या लगता है मुफ्त की रोटी तोड़ने लाए हैं तुझे यहाँ पर? ये तेरी पिंकी सारा दिन बैठी रहती है, इसे क्यों नहीं कहती काम करने को? मैम साहब पिंकी अभी बच्ची है, उसे रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। हाँ और हम बैठे रहे तेरे इंतजार में कि कब बर्तन धुलेंगे और कब हम खाएंगे। साफ साफ सुन ले टुनटुनी, ये नवाबी मेरे सामने तो चलेगी नहीं। जब तू घर के दूसरे काम करती है तब तक इस पिंकी को बर्तन धोने में लगाया कर। ऐसे ही पूरा एक महीना गुजर गया। टुनटुनी ने सेठ से जब अपने काम के पैसे मांगे तो सेठ गुस्से से बोला, तुझे रहने की जगह दी है, खाने को भी देते हैं, अब पैसे क्यों चाहिए तुझे? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, पूरा महीना मैंने और मेरी बेटी ने कैसे काटा है हम ही जानते हैं। पिंकी को ठंड की वजह से बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है और आपने मुझे पैसे देने की बात तो पहले ही कही थी ना, अब आप कैसे मुकर सकते हो? हाँ हाँ ठीक है। सेठ अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर टुनटुनी को देता है। टुनटुनी इन पैसों को देखकर कहती है, सेठ जी ये क्या, इसमें क्या होगा सेठ जी? वो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना ही दे सकता हूँ, वैसे भी मैंने तुझ पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपने मुझ पर? मैं और मेरी बेटी रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं। आप और आपका परिवार क्या जाने ठंड क्या होती है, भगवान सब देख रहा है सेठ जी, इतने कठोर भी मत बनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, निकल अभी मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है, पर सेठ जी फिर कभी किसी पर ऐसे एहसान मत करना जैसा मुझ पर किया आपने। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद सेठ अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलता है। वापस आते आते अंधेरा होने लगता है। उनकी लकड़ी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी, रात होने वाली है और ये जगह भी कितनी सुनसान है। अरे भाग्यवान रुकी नहीं, खराब हो गई है। सेठ गाड़ी से बाहर निकल कर गाड़ी ठीक करने लगता है पर गाड़ी ठीक नहीं होती। सेठ का घर वहाँ से काफी दूर था। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं, लेकिन ठंडी हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कितनी ठंड है, मेरे तो पैर ही जम गए। सुनो जी कुछ तो करो, बेटी का ठंड से बुरा हाल हो रहा है। हाँ इससे पहले कभी ठंड का पता ही नहीं चला, घर में ही डर था तो पता नहीं था कि ठंड क्या होती है, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। सेठ और सुंदरी हार मान कर एक जगह बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। इतने में उन्हें कुछ दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो टुनटुनी थी जो हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। टुनटुनी को देखते ही सुंदरी चौंकते हुए बोली, अरे टुनटुनी तुम यहाँ? मैं यही पास वाली फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ, यहाँ पास ही में मेरी झोपड़ी है, आप सब जल्दी मेरे साथ चलिए, यहाँ बहुत ठंड है। टुनटुनी उन सभी को अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और ओढ़ने के लिए एक मोटा कंबल देती है। सेठ और सुंदरी बहुत शर्मिंदा थे। सुंदरी कौवी हाथ जोड़कर टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ठंड की मार क्या होती है इसका आज मुझे पता चला। टुनटुनी उन दोनों को माफ कर देती है। बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौवा नशेड़ी था, वो दिन रात टुनटुनी से झगड़ा किया करता था। घर चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने आस पड़ोस के पक्षियों के घर काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब शाम को काम करके घर वापस लौटती है तो देखती है कालू कौवा घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। टुनटुनी मुझे कुछ पैसे दे दे। तुम कैसे पति हो, तुम्हें कमाकर मुझे देना चाहिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रही हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कमबख्त तू मुझसे जबान लड़ाती है, चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
कालू कौआ टुनटुनी को पीटने लगता है और उससे पैसे छीन कर चला जाता है। ये सब देखकर उसकी दोनों बेटियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, तूने ये मेरी कैसी किस्मत दी है, मुझे ऐसा पति क्यों दिया, इससे अपने घर परिवार की जरा भी चिंता नहीं। आज मैं मालकिन से पैसे मांग कर लाई थी कि घर का राशन लेकर आऊंगी, लेकिन इस कमबख्त ने सारे पैसे छीन लिए, अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी। तभी टुनटुनी की बेटी टूनी चिड़िया उससे खाना मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भी खाने को दो। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं कहाँ से तुझे खाना दूँ, तेरे पापा ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए, अब तो मैं राशन भी नहीं ला सकती। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी ग्लास में पानी लेकर आती है। दीदी, ये लो पानी पी लो, मैंने भी पानी पी लिया। नहीं, तू ले जा यहाँ से, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे तो खाना ही खाना है। बेटा, मैं अभी हरी काकी के यहाँ जाकर तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर भोजन लाने के लिए जाती है। हरी काकी, मेरी दोनों बेटियाँ भूखी हैं और भूख से रो रही हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटियों को खिला दूंगी। टुनटुनी बहन, तुम अपने पति से क्यों नहीं काम करने को कहती, दिन भर तुम्हारा पति शराब के ठेके पर बैठा रहता है। मैं उससे कहकर थक गई, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। आज जब मैं अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाई तो सारे पैसे छीन कर शराब पीने चला गया, उसने आज मुझे बहुत मारा भी। ऐसा कब तक चलेगा टुनटुनी बहन, मैं तो कहती हूँ ऐसे पति को तुम छोड़ क्यों नहीं देती, भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तुम अपना काम करती हो और तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता है, तुम अपनी बेटियों को क्या भविष्य दे पाओगी। मेरी तुमको एक सलाह है, अगर तुम अपना एक अलग घर बनाकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ और उन्हें भी अच्छा भविष्य दो। हरी काकी टुनटुनी चिड़िया को भोजन देती है। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटियाँ मेरे इंतजार कर रही होंगी। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। आओ बच्चों, आकर भोजन कर लो, मैं हरी काकी से भोजन मांग कर ले आई। कमबख्त, तुम मोहल्ले में जाकर मेरी शिकायत करती है और जाकर पड़ोसियों से खाना मांग कर खाती है। अपनी इन बेटियों को अभी और इसी वक्त लेकर मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में तुम जैसी भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। बच्चों चलो, हम लोग अपना एक अलग घर बनाकर उसमें आराम से रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे पहुंचती है जहां पर बहुत सारी मिट्टी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर मिट्टी को इकट्ठा करती है और उससे एक प्यारा सा घर बनाने लगती है और उस घर के ऊपर लकड़ी की चादर लगा देती है, जिससे बारिश से भी उसका घर बना रहे। तभी थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। आओ बच्चों, मिट्टी का घर तैयार है, अब से इसी मिट्टी के घर में रहकर हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे और ये घर हमें बारिश से भी बचा लेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।